हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। लेट अस टेक यू ऑन अ जर्नी वेयर द रोड एंड्स एंड लाइफ बिगिंस। वेलकम टू स्पिति वैली। बजे निकलना मीन्स एग्जैक्ट 8 बजे निकलना ही निकलना है। अगर उससे आपको लेट हो जाओगे तो शाम के पहुंचने में मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा एकदम प्रॉपर सेशन है, हम खुद ही बना रहे, खुद ही खा रहे। हेलो नमग्याल। हाँ हाँ, उसे कॉलर है, वो वापस आ जाओ, नहीं तो आप बेहोश हो जाएगा, नहीं फिर हमको उठाना पड़ेगा। Save it. यहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे आज चितकुल से जीबी 230 किलोमीटर का कुछ समथिंग ऑफ रोड भी रहेगा और टफ रास्ता है, लेकिन क्लियर कैसा भी करके रहेंगे। हमारे साथ काफी सारे राइडर्स हैं। रोड बनते स्ट्रीट मैंने क्यों क्या करना सिंगल रोड छिया चित्रकूट के बारे में कुछ बताओगे? हम किन्नौर में जो एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कट ऑफ है और दुनिया से, बाकी लोगों से बहुत ज्यादा, ट्रेडिशन लैंग्वेज सब कुछ अलग है। ये लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी है ना, यहाँ से चाइना के साथ बॉर्डर भी पड़ता है। हाँ, चाइना के साथ बॉर्डर भी पड़ता है। यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर जाके यहाँ चेक पोस्ट है, उसके बाद आर्मी का एरिया है, आर्मी ITBP, तो इस तरह के चेक पोस्ट है आगे काफी, उसके बाद जाके जो है तिब्बत जो चाइना बॉर्डर है वो स्टार्ट होता है। और इसमें 2-3 ट्रैक वगैरह भी है इसमें काफी। एक तो लामखा का है जो यहाँ से जाता है, 10 दिन का ट्रैक होता है। हिमाचल का जो है सबसे टफ ट्रैक है ये। So the road was full of off-roading and I was crashed very badly at the speed of 80 to 90 km per hour, and still I'm riding, and because of my gears I was safe and feeling like I was very lucky also, because I fell down in the full of off-roading where you can see the lots of stones and
pebbles. Like you should be wearing proper riding gear, shoes, helmets and everything. So that is the only thing which will save you if you are going to crash in this route. अभी तक हम लोग पानी भी नहीं नहाए, इतना ठंड है यहाँ पर, सिर्फ -5 -10 तक ऐसा चले जा रहा है नॉर्मली बेसिकली. अभी आप देख सकते हो सनलाइट भी आया हुआ है लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हाथ वैसे ही वैसे जमे हुए, वैसे ही वैसे ही ठंड लग रही है. जैसा बाइक स्टार्ट कर रहे फिर ऐसा जो अभी मम्मी बोलते हैं यहाँ पे ना, तो मम्मी का मेन मतलब ऐसे नाम क्यों लगाया, क्या कैसे मिला ये ना? अब मम्मी तो गाँव वालों को तो पता ही नहीं था ना जी, हम लोग तो शुरू में तो सांझे करके ही इनको बुलाते थे ना. अच्छा, फिर आप न्यूज रिपोर्टर आ गए सबसे पहले. अच्छा, फिर उन्होंने मम्मी लिखना शुरू कर दिया न्यूज में, उस करके मम्मी का ज्यादा प्रचार हो गया मम्मी करके ना. तो मम्मी तो बोलते हैं जी जो केमिकल वगैरह लेप करके ना. अच्छा, किसी जानवर के चमड़ी में लपेट के. हाँ, इस तरह का ना जी, तो उसमें से निकलता है ना वैसे निकलता तो? बोले मम्मी तो ये तो जो रिसर्च टीम आया ना उन्होंने बोली मम्मी नहीं है, ये नेचुरल तरीके से पूरा अपने आप प्राण को त्यागा उन्होंने. सबसे पहले इन्होंने अन्न छोड़ा होगा बोला, उसके बाद जल छोड़ा होगा जो हमारा बुद्धिस्ट में एक तरीका है ना जी. उस बार जो इनका अपना चेले होता है ना जी, कि मेरे बॉडी को तब तक नहीं हिलाना है जब तक सांस नहीं चले जाए. जैसे बोलते हैं ना कि नाखून लंबे होते हैं, बाल बड़े होते हैं, जी जी, तो उसमें क्या है भी रिसर्च टीम क्या नहीं, एक्चुअली जो 1900 लगभग आया लग रहे जी 90 में एक फॉरनर ने जी, वो 2003 में फिर दोबारा आ गए 12-13-14 साल के बाद ना. हाँ, उसने कहा कि इसका तो नाखून भी बड़ा हुआ और ये बाल भी बड़ा हुआ है. अच्छा, फॉरनर लोग बड़ा डीपली देखते हैं ना जी. लाल नमक तो बोलते हैं जी आदमी के बॉडी को बिना कीड़ा पड़े ना जी, वो अंदर अंदर ही वो खोखला करके वो वाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं ना जी. अच्छा, लाल नमक, लाल नमक जो है. अच्छा, तो नमक भी इनको गला नहीं पाएगा.